नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाजीपुर के फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हैं। इस क्रॉसिंग को आप लेबर चौक कह सकते हैं। लेबर चौक अमूमन शहरों में वो जगह होती है जहां रूरल एरिया से, ग्रामीण इलाके से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मजदूर दैनिक स्तर पर काम खोजने के सिलसिले में आते हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे कि यहाँ तमाम मजदूर गाजीपुर के अलग अलग इलाकों से पहुँचे हैं। यहाँ लोग आएंगे, अपनी ज़रूरत बताएंगे, मजदूरी का नेगोशिएशन करेंगे और उसके बाद उस मजदूर को ले जाएंगे और काम करने के बाद उसको उसकी मजदूरी दे देंगे। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लेबर क्लास की क्या उम्मीदें हैं, ये इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर के चुनावी दलों के जो वायदे हैं वो पिछले चुनाव के बाद कितना धरातल पर उतरे हैं और इनकी 2024 के लोकसभा चुनाव से क्या उम्मीदें बनती हैं। क्या नाम पड़ी? अमेरिका। अमेरिका अमेरिका कहाँ का रहने वाला हुआ भैया? कहा बबेड़ी का। अच्छा, तो यहाँ कब से आवेला है यहाँ मजदूरी खोजे खातिर? अरे यहाँ तो बराबर आवे। अच्छा, काम मिल जाला डेली? ना ये डेली का आधा दिन पर एक दिन काम मिले। अच्छा, तो बाकी दिन क्या करेला? बाकी दिन घरे रह जैसे चल जाये। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद बात? सरकार से कौन उम्मीद बात, कुल जाना सरकार तो आवत है, मजदूरन का कोई ख्याल ना, मजदूरन का ख्याल ना है। अच्छा, का सरकार के का करे चाहिए जोने बात से लगे कि नहीं ठीक बा, मजदूरों के ख्याल रखत है सरकार? उनों का ख्याल रखे के चाहिए ना। कैसे तनी बतावा कि का कैसे हम बतलाई, वो लोग तो खुद समझदार है। चलिए, ये कह रहे हैं भाई सरकार को लेबर जो क्लास है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। एक और सज्जन है हमारे साथ, उनको भी अपनी बातचीत में शामिल कर ले। क्या नाम है भैया? राम मोदी यादव। कहाँ के रहने वाले हैं यादव जी? यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी है, जगनापुर। कब से आते हैं यहाँ इस चौराहे पर? 30 वर्ष हो गया। अच्छा, ये 30 साल से आ रहे हैं यहाँ इस लेबर चौराहे पर और दैनिक दिहाड़ी का काम करते हैं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं 2024 में, जो सरकार बन के केंद्र में बने? मैंने सरकार से कोई फायदा नहीं है, किसानों को ध्यान नहीं दे रही है। सड़क नाली पंडवा बनवा रही है, किसान भुखमरी मर रहे हैं, अग्री फैक्ट्री कुछ नहीं, एक लड़के काम अपना करे, सब लड़के बेरोजगार बैठे है घर पर पढ़ लिख करके। मैं पूछ तो रहा हूँ, क्या उम्मीद है आपकी, क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? बच्चों को चाह रहे हैं एक्टिव फैक्ट्री खुले, कमा खाए। अच्छा, हाँ, और आपकी अपनी क्या उम्मीदें हैं लेबर क्लास के लिए, जो लोग दैनिक स्तर पर बराबर का काम मिले? हम लोग को सब काम ठेकेदारी हो गया, ठेकेदार पैसा लेकर काम करा कर पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, यहाँ औसत में एक हफ्ते में कितने दिन काम मिल जाता है? 2-3 मिलता है 2-3 रोज। अन्य दिन क्या करते हैं? घर पर रहते हैं, अपने खेती में किसानी में रहते हैं, क्या करें। अच्छा, चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? शेषनाथ। कहाँ के रहने वाले? करामनीपुर का। अच्छा, यहाँ पे रोज आते हैं? रोज आते हैं। अच्छा, काम मिल जाता है? एक कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, तो अभी चुनाव होने वाला है, गाजीपुर में भी वोट पड़ेगा। हाँ, तो किस पार्टी का आपको लग रहा है कि ठीक ठाक हिसाब किताब है? ठीक ठाक तो किसी का है, मतलब कि ठीक ठाक हम लोग काम करते हैं, नहीं काम करेंगे तो खाएंगे नहीं। अच्छा, कोई सरकार तो अपना जिसको बनता है ठीक बनता है। सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्या क्या चाहता है सरकार से? सरकार से वे चाहते हैं कि फैक्ट्री खुले और कुछ बच्चे कमाए। तो यहाँ के जो लेबर क्लास के लोग जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनका एक ये विचार है कि सरकार को यहाँ पे उद्योग धंधे खोलना चाहिए जिससे कि स्थानीय स्तर पर लोगों को काम मिल सके। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। चर्चा करना पड़ी? अच्छा, ये बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कहा भैया, क्या नाम पड़ी? मुन्ना राजभर। अच्छा, राजभर जी कहाँ रहने वाला हुआ? निपुर का। अच्छा, रोज आवेला? रोज आ रहे हैं। कौन दिन काम मिल जाला हफ्ता में? 3 दिन से आवत नहीं, काम तो मिलते नहीं के 3 दिन से घर लौट लौट के जाते नहीं, कुछ पैसे नहीं के होत। अच्छा, तब तो या वोट पड़े वाला बा, का माहौल बना था कौना पार्टी के? ठीक ठाक माहौल आधा महीना बीती, ओकर बाद न बुझाई कि केकरा के वोट दिया ही। अच्छा, हमारा गांव के और केकर ला ठीक बा? अभी केहू के बात नहीं के चलत। अच्छा, का उम्मीद बा सरकार से? तो सरकार से का चाहल जा, रोजगार सरकार दे, कमाई या खाई जा, फैक्ट्री बैठाओ चाहे कोनो भी काम लगाओ अपन। सरकार तो कहते भी है कि खूब रोजगार देनी है, कहाँ से देती है? आई दे, मिली तो आई रोड पर आदमी घूमता ना, ना घूमता क्या चाहता है बताओ? रोजगार चाहता नहीं। अच्छा, हाँ, कहना पड़ी भैया? तो विनय यादव।
अच्छा विनय जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आदर्श बाजार। आदर्श बाजार गाजीपुर में। हाँ ठीक है, तो कब से आप मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं? अरे हमको हो गया धीरे धीरे 5 साल। 5 साल से आप? हाँ, पढ़ाई करके। अच्छा, परिवार में अन्य लोग भी हैं कि आप एकमात्र रोजी रोटी के जरिए परिवार का भरण पोषण करते हैं? हम अकेले हैं माँ बाप। अच्छा, रोजाना काम मिल जाता है? नहीं। क्या स्थिति बताइए? स्थिति बहुत डाउन है, देख लीजिए। 10 दिन आते हैं, 10 दिन में 4-5 दिन काम होता है, बाकी दिन घर पर चल जाते हैं। भुखमरी आई है। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा सरकार खत्म हो जाए, आइए कम से कम मजदूर आदमी अपना परिवार के देख सकता है। समस्या तो हर सरकार में रहेगी ना? नहीं, कहाँ रहेगी सर, नहीं रहेगी। पहले भी हम लोग पुरनिया लोग यहाँ मिलते हैं, बोलते हैं कि इतना दिक्कत नहीं था। हाँ पहले, हाँ हाँ, ये 10 साल से बहुत दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए कि ये समस्या दूर हो जाए? सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलने से समस्या दूर हो जाएगी? दूर हो जाएगा। चलिए, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। और देखिए, इसी तरीके से इस लेबर चौक पर लोग आते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत हो रही है। इनको लेबरों की आवश्यकता है और ये यहाँ पहुँचे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लकी नाम है। यहाँ लेबरों को लेने आए हैं आपके यहाँ? कुछ निर्माण कार्य चल रहा है? हाँ हाँ, निर्माण कार्य चलता है। तो मैं अभी बातचीत कर रहा था लोगों से, मैं एक रुझान जानने की कोशिश कर रहा था। आप एक यूथ हैं, गाजीपुर में मतदान होंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के, जिस प्रत्याशी या जिस पार्टी को आप वोट देंगे उससे क्या क्या आप उम्मीदें रखते हैं, क्या क्या करना चाहिए जीतने के बाद उनको? जो भी पार्टी जीते वही हमें चाहिए, अपने जिले का विकास। अभी हमारे गाजीपुर में जितने भी रोड हैं आप देख लीजिए, कहीं भी एक रोड आपको एक लेवल में नहीं मिलेगा। आज एक रोड खनेगा उसमें सिविल लाइन पलेगी, RCC होगा, चाहे ये पिच होगा, उसके 10 दिन बाद फिर रोड खुदा जाएगा। हमें कोई भी सरकार उससे नहीं लेना है। हमको इसका फंडामेंटल ही नहीं समझ में आता है कि कर क्या रहे हैं लोग, जनता का पैसा ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। विषय हो गया, आपने बता दिया। हाँ, सड़क की स्थिति बेहद खराब है। और क्या क्या होना चाहिए जनपद स्तर पर जो आपको लगता है कि हर आदमी के दैनिक स्तर को प्रभावित करने वाला जो काम है? हमारे जगह, हमारे जिले में बहुत जगह हैं, बहुत लोग बेरोजगार भी हैं, जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पढ़े लिखे यूथ जो है काफी बेरोजगार है। इसमें कितने पढ़े लिखे यूथ है जो बेरोजगार है? चलिए, हमारे पीछे जब हम इनसे बातचीत करते, कुछ लोग थे जिनकी की अपनी राय है, उनकी भी राय को शामिल करना लाजमी ही है। बताइए सर। 400 दिहाड़ी हम लोग को नहीं मिल रहा है, खाने के लिए सबके गेहूं दाल चावल मिल रहा है, जो हम लोग 2 किलो राशन मिल रहा है उसमें कट रहा है सब्सिडी लेबरों का। है हफ्ता दिन जाइए तो लाइन लगा कंट्रोल पे, तो अनाज वह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये हो रहा है कि मोदी जी या योगी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। हम लोग को चाहिए रोजगार, कंपनी खुलवाइए कि बेरोजगार रोजगार होके, जो रोजगार है वो प्राइवेट हो गया, क्या आदमी खाएगा, क्या खाएगा बताइए आप ही। अच्छा चलिए साहब, आप बताइए। हमारा भाई, हम सब में नहीं लाइन में पहुंच सकते हैं ना। चलिए, इनकी पर इनकी कोई राय नहीं है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, कहाँ ना पड़ी? अवधेश पड़ेगा। कहाँ के रहेगा? रामदीनपुर। अच्छा, तो यहाँ मजूरी मिल जाएगा रोज? ना, एक दिन मिलेगा एक दिन ना मिलेगा। अच्छा, तो सरकार से क्या चाहत बड़ा? सरकार से वही चाहते है की हमें रोजगार मिल जाए। अच्छा, का कर जाओ तो रोजगार मिले लगे? अरे बड़ा ही पड़ी, निक विधायक बनो अपन, तो वोटवा देबा वही से ना सांसद आ विधायक चुनाई। हाँ, कौने पार्टी के लहर ठीक बा? अब तो देखल जी तब ना कौन पार्टी लहर होती है। के वोट करवा तू तो ये थी लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया। लोग अपने अपने तरीके से अपने परेशानियों को साझा कर रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि साहब, यहाँ अगर कल कारखाने उद्योग खुलेगा तो कुछ स्थानीय स्तर पर रोजगारों का इंतजाम होगा। और कुछ का कहना है कि साहब, इससे पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, अब जो स्थिति है वह ज्यादा भयावह बनती जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो राहुल है। यहाँ इन लोगों को तो बनाने रुकला बात कर लेना, यहाँ पे आए हम इन लोगों को बोलने के लिए, काम करिए, पैसा दे रहे हैं लोग, चूतिया हम लोग को बना रहे हैं, करे काम है, हम कह रहे काम देंगे, पैसा भी देंगे, तब भी तैयार नहीं है इन लोग, क्या इन लोग को लिखा पड़ी का काम दिया जाए और इन लोग को ऑफिस में बैठाया जाए। ऐसे बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग दिखाइए, ये दिखाइए। अच्छा, ये बताइए कि एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं यहाँ बातचीत में कि भाई
कल कारखाने नहीं है उसकी वजह से रोजगार नहीं मिल रहा है, अनाज जो मिल रहा है वो तो ठीक है लेकिन साहब उससे हमारे देखिए रोजगार बढ़िया है, सब चीज सिस्टम है, करने वाला आदमी चाहिए। हम कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए कि किसी भी काम करने के लिए क्षमता चाहिए और करने वाला आदमी चाहिए। समस्या कुछ नहीं है, सब समस्या अपने आप है। हाँ सब समस्या अपने आप, आदमी जी नहीं रहा है, मर गया है, सब लोग मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब छोड़िए जान, चलिए सबकी अपनी अपनी राय है, जैसा कि मैंने पहले बताया कुछ और लोगों की राय इसमें हम अपनी बातचीत में शामिल कर लेते हैं। कहना पड़ी भैया, अरे भाई तो कब बार आप पूछ रही है उनका बता दे लीजिए, कब बार बतौला बताओ बैठा ली है। अच्छा आप बतौली है। अच्छा कहना पड़ी हो भैया, नरेंद्र नरेंद्र क्या करे लो मजदूरी कर जला। अच्छा तो रोज काम मिल जला, रोज ना मिलेला। क्या चाहता है सरकार से, क्या चाहते हैं सरकार से, मन को सुविधा चाहिए कोई के सरकार सुविधा में क्या कैसे बताओ, सुविधा में रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, नौकरी चाहिए, ये कुल चाहिए। केकर माहौल ठीक लगा था कौन पार्टी के माहौल भाई ना समझ जाओ। तो लेबर चौक पर एनबीटी के टीम ने यहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए पहुँचने वाले लोगों से बातचीत की, सबकी अपनी अपनी पृथक राय है, पृथक सोच है। चुनाव को लेकर के अभी लोगों का कहना है कि अभी कुछ स्थिति स्पष्ट होकर के सामने नहीं आ रही है, ऐसे में उनके लिए किस पार्टी का माहौल ठीक ठाक है या मजबूत है ये बताना मुश्किल है। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।